सो हे गाइस, तो आज मैं अपनी वीडियो लेकर, तो आज मैं बनाऊंगी स्लिंकी फिजिक टॉय। तो आपको शायद पता होगा, बट नहीं, मैंने शायद नहीं बताया, मतलब नहीं बताई मैंने कि मैं एक फिजिक बॉक्स बनाने वाली हूँ और उसकी मैं आपको जल्द वीडियो लाऊंगी। तो पहले मैं उसको पूरा बना लूँ, फिर यही स्लिंकी भी एक फिजिक टॉय का वो है टॉय, तो वो ये इसलिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेच बॉल भी एक फिजिक टॉय का वो है टॉय, तो स्ट्रेच बॉल की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए जरूर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैंने एक पेपर ले लिया है एंड फर्स्ट मैं स्केल की जरूरत है, तो स्केल से मैं मार्क करूंगी। तो अभी मैं इसको फर्स्ट मैं साइज करूंगी इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैं इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करूंगी स्लिंकी के लिए। तो अभी आपको छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट कर ले रही हूँ, मतलब पतली पतली सी थोड़ी। ओके, तो इतने इतने साइज के आपको स्ट्रिप्स बहुत सारी कट कर लेनी है। आपको जितने भी साइज का चाहिए, मगर आपको छोटा चाहिए तो आप 10 काट लेंगे। ओके, और अगर आपको और भी बड़ा चाहिए तो आप मतलब 20 तो काट लेना, आपको बहुत बड़ा चाहिए 20 बहुत होते हैं, क्योंकि मैंने ये खुद रस मतलब खुद ही ट्राई करके देखा है। मैं एक दिन कुछ बना रही थी मतलब, तो ये अचानक से ये बन गया, मैंने सोचा स्लिंकी बन गया होगा, तो मैंने आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करी। तो अभी मैं आपको स्ट्रिप कट करके बताती, तो पहले मैं बहुत सारे स्ट्रिप कट कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो गाइस मैंने बहुत सारे स्ट्रिप काट लिए है, मतलब देखो आप बहुत हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 7 है स्ट्रिप्स, तो 7 से तो बन ही जाएगा मतलब। तो फर्स्ट मैं एक ब्लू लूंगी और ये वाले साइड को ओके, गाइस ये पेपर बहुत होते हैं आपको पता है, बहुत पतले होते हैं। तो ये जो सारे पेपर है ना, मैं चमके मैं इसको ऐसे दबा देती हूँ। तो अब आपको ना ये वाले साइड पे ब्लू लाऊंगा मैं। ठीक है, तो आ जा उसकी काटनी दे रही और पहले भी काटी थी। मेरे को क्या थी तो काट लेते हुए मिल जाएगी। आ जा तो आ जाए, तो इतने पार्ट में आपको ग्लू लगा ले रही है ताकि आप स्टिक कर सकें। तो अब थोड़ी सी लाइट अप हो गई है, तो अभी हम आपको आगे बताएं इतने पार्ट पे आपको ग्लू लगा देनी है। तो आपको मैं एक और लूंगी स्ट्रिप और इससे जोड़ दूंगी। ओके, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है, स्टेप करते हुए जिग जैग करते हुए एंड अब मैं स्लिंकी बना रही हूँ। स्लिंकी
ऐसे ही बनता है। देखो ये जो ऐसे वी शेप बना देना, मतलब ऐसे करके, ठीक है, इसको यहाँ से स्टिक कर दिया। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे स्टिक कर ही दिया है, तो अब मैं इसको साइड भी जाओ थोड़ा। तो अभी ये जो स्ट्रिप्स, एक सेकेंड गाइस, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये जो वी है, अब इसका ये वाला जो पार्ट है जहाँ से आपने चिपकाया था, मेरे को ऐसा कुछ हो गया है। तो अब ये यहाँ से ऐसे राउंड करते हैं, ये देखो ऐसे, फिर उस वाले को करना है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से इस वाले को करना है। फिर से ये वाले को करना है, एंड देन फिर से ये वाले को करना है, ऐसे ही करते जाना है आप लोगों को। ऐसे 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 मतलब करते ही जाना है जब तक ये खत्म नहीं हो। ऐसे ही खत्म हो गया, तो मैं अभी एक और ग्लू यहाँ थोड़ी ले लेती और यहाँ पे थोड़ा लगा। ओके, तो अभी आपको स्ट्रिप को और बड़ी करते हैं ये वाली, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसको भी कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक और स्ट्रिप लेके यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे भी कर देती। तो मैंने इस स्टेप को तो चुपका दिया, तो अब मैं अब इसको ऐसे फिर से ऐसे देख कर डिजाइन कर, ठीक है, तभी स्लिंकी पूरा बन पाएगा मेरे को बनने पर। साइज आपको पता है स्लिंकी बनाना बहुत आसान है, बट अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप ये बात छोड़ सकते हैं। स्लिंकी बनाना 2 मिनट का काम है, बस ग्लू उठाओ, सीजर उठाओ, पेंसिल उठाओ, स्केल उठाओ, पेपर उठाओ और स्टेप को कट कर लो। 2 मिनट में बैठे बैठे बना लो। ग्लू तो सबके घर में होती है, सीजर भी तो सबके घर में होती है, पेंसिल तो होगी सबके घर में, एंड पेपर तो कौन सा घर में पेपर होता है, तो सब सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। जब जब आपके पास स्केल नहीं है तो आप स्केल भी ना दो, कुछ नहीं होता, बिना स्केल के भी स्ट्रिप्स कट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको भी ऐसे ही उठा देती हूँ एक और स्ट्रिप्स। ओके, सो अभी मैं एक और स्ट्रिप चिपका रही हूँ यहाँ, देख सकते हो एक और। तो अब मैं फिर से वैसे ही कर रही हूँ जैसे पहले किया था, ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अगर आपको इसको डेकोरेट करना तो आप डेकोरेट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको सिंपल रखना सिंपल है, मैं सिंपल रखूँ डेकोरेट बाद में। पेपर्स पे आप कुछ लिख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो, उनकी पतली चीज अब मैं और स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ, तब तक मैं एक स्ट्रिप लगा देती हूँ ताकि वो सूख जाए। अभी मैं इसको सूखने के लिए रखती हूँ, तब तक और स्ट्रिप्स कट कर लेती हूँ जल्दी से। सो गाइस, मैंने और स्ट्रिप्स काट ली है, ये देखो मैंने इतनी सारी और काट ली। तो अब
दिखेगा ऐसे करके। कहने का सेंस ये वाइट ना दिखे ना। अभी मैं अभी 10 दिन बाद फिर लगा लेंगे हाँ, और कलर अच्छा आ जाएगा। लेकिन देखो पाउडर होता है, सुन रहे हाँ, इंडिगो पाउडर नेचुरल पाउडर आता है, वो ला के दे दीजिए मुझे, वो हम चाहे कल लगा लें चाहे परसों लगा लें, उससे बाल ना नेचुरल हो जाएंगे, एकदम जेट लैग नहीं होंगे, जो मेरे बालों का रंग उसमें मिलते हैं। अभी मैं फिर इसको ये मेहंदी की गोल्डन गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है, वो एक पत्तियों का पाउडर होता है समझे, ये वही पूजा पूजा नहीं है जहाँ मीनू चाची का घर के सामने एक रास्ता गया है, सुहानी के घर के आगे से रास्ता गया है, वहाँ देगी है, उसने 50 रुपए लगवाई दी है मेहंदी हमने बोली थी हमने सब मिलाई थी अपने घर पे मेहंदी में लेकर के फेशियल करवाया है, देखिए आप फेशियल करवा के आए 500 रुपए लगाए, कह रही थी आप करवा लो 3-4 बार ठीक हो जाए, कहती आपको बालों का कुछ भी करना हो ये तो पैसा कम लेती है ना, इसको तो हम जानते ही हैं, तुमने घर के पास ही है, पता कहाँ है, बस सुहानी के घर के आगे जाओ रास्ता घूमा, तुम्हारी डेरी नहीं है तो अब मैं फिर डेरी में बस घुसते ही एक दूसरा घर जो है वो होगा पल्ले का, तो अब मैं इसको फिर पहले 2 दिन तो होती नहीं है ब्लीडिंग मेरे, हमने आपको बताया ही प्रॉपर्टी में तीसरे दिन होती है, जी याद रखिएगा मेरे कहीं टाइम ना निकल जाए मेरा, वो निकलवाना है शादी के पहले करवाने की शादी के बाद, थोड़े दिन हमें भी रिलैक्स हो जाएगा, 6-7 दिन के लिए समझ लेते हैं हाँ, है कि नहीं, तो आपको पता है ना हम तीसरे दिन ही साफ हो जाते थे, बहुत ज्यादा दिन आपकी तकलीफ ठीक लग रहा है फेशियल से, मैंने इसे साफ हो गया पहले ब्लीच किया था मुझे हाँ, पूरा गर्दन अर्दन सब पे किया है, देखिए गर्दन साफ लग गई देखिए देखी मैंने पहले ही हाँ, कहीं आप करवा लीजिएगा महीने में 2-15 दिन में साफ हो जाएगा, 500 रुपए कहीं सबसे अच्छा फेशियल किया उसने, कहीं बस आप देख लीजिएगा दाना वाना ना निकले 30 रुपए, हर जी खाना नहीं बना रहे, खाना क्या खाना है, सब्जी कोई है नहीं, बस आलू है प्याज है टमाटर है यही सब, तो बताइए क्या आलू की सब्जी बनाओ हाँ, आलू की सब्जी, आलू की अच्छा सब्जी बना रही है, वो शाही पनीर कर रहा हाँ, मम्मी जी कह रही थी कि हम बना देंगे शाही पनीर, मम्मी जी शायद कह रही अपार्टमेंट रंगीला जिग-जैग कर रही हूँ क्योंकि बार बार लगाना पड़ रहा है छोटी हो बस जल्दी जल्दी कर, देखो मैंने इतना जिग-जैग कर रखा है, तो अभी मैं फिर इसमें स्ट्रिप लगाऊंगी एंड मैं 2 बनाऊंगी, तो मुझको दोनों के लिए टॉपिक चाहिए, एक के लिए 2 पेज तो पहले मैं आपको एक सिखा दूँ फिर दूसरा मैं आपको एक बना के बाद दूसरा सीखा जाए, हम तो खाएंगे ओके, तो अभी मैं ग्लू लगा दिया मैंने तो अभी मैं कॉफी डाला मैंने इसमें हाँ, और पता क्या डाला मेहंदी में मैंने क्या क्या डाला पता है, कॉफी डाली, चाय पत्ती का पानी डाला, आंवला पाउडर डाला हाँ, फिर जिग-जैग करने लग गए, सीताकाई पाउडर डाला हाँ, और मीठा पाउडर डाला, सब लहसुन चीजें डाली,
मैं उसको लास्ट चुपका दी। जली वाले के पास चल रहा है कि नहीं? मेरे को मैंने चुपका दिया ये, अब मैंने लास्ट चुपका दी क्योंकि बस मैं दो बार ही कल से आज तक में मैंने आठ पैक चेंज किए। हर तीन चार चार घंटे में पैक चेंज करना पड़ेगा। मेरे मखाने खत्म हो गए, खा लिए। बादाम देते हैं आपका? तो बस बन ही गया, अभी रुको मैं थोड़ा खा देते हैं उसको। तो बस अब आप देख ही सकते हो बन गया, ये चाय भी नहीं पूरी गई। ये देखो आप पॉकेट में भी इसको रख सकते हो। ये देखो इसको ऐसे किया, पॉकेट से निकाला, बूम। ये देखो कितना क्यूट सा ये बन गया है हमारा एट होम। बहुत सिंपल है बनाना इसको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, देखो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए और वीडियो की तो बेल को भी दबा देना, और कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप और है ना? और फिजिक्स तो टॉयज ग्रामर कंप्लीट हो गया, साइंस कंप्लीट हो गया, जैसी करा देना। ये देखो कितना अच्छा सुंदर सा बन गया है, कितना क्यूट सा छोटू सा बन गया, बहुत क्यूट लग रहा है। एंड अभी आप देख सकते हो ये एक पॉकेट वाला बनाने में, आप ये पॉकेट में रख सकते हो। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप मतलब आपको 24 पेजेस लगेंगे अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है। मेरे को इतना ही बड़ा बनाना था, मैंने एक बार ट्राई किया था बड़ा बनाना, बट वो ना खराब हो जाता है। ये देखो इसे स्टैंड भी हो रहा है, लाइक तो बहुत क्यूट लग रहा है। एंड आप इसे स्टैंड भी कर सकते हो, बताओ कोई भी आए देखो ऐसे मत चला के ना इसको, कोई भी है ऐसे चला दो उसको। मतलब ये बहुत अच्छी स्प्रिंग बनी है तो घर के लिए तो बहुत पसंद आया मेरे को। एंड ये देखो अगर आपको ये देखो ये मतलब जैसे स्लिंकी ऐसे खड़ता है ना, वो भी ऐसे देखो ऐसे खड़ सकता है। ये देखो ऐसे खींच के आप स्प्रिंग कर सकते हो उसको। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और मुझे बॉक्स में आपको दिखाऊंगी तो इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरा स्लिंकी, और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको मेरा स्लिंकी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड फिर वो कितना क्यूट सा पॉकेट रख सकते हो पॉकेट में, देखो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को स्लिंकी। एंड बाय।